नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ज़ीरो पॉइंट टू थ्री को मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो पॉइंट थ्री से तो ज़ीरो पॉइंट टू थ्री को मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो पॉइंट थ्री से या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए ट्वेंटी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री थ्री जर नाइन थ्री टू जर सिक्स होता है तो सिक्सटी नाइन आ गया लेकिन डेसेमल अगर लगाएंगे तो कितनी डिजिट्स के बार डेसिमल लगाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक ये है और दो ये हैं तो तीन डिजिट पहले क्या लग जाता है पॉइंट तो यहां एक जीरो लग जाएगा और पॉइंट यहाँ लग गया तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीरो पॉइंट जीरो टू की मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी से एक मेथड था जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है और दूसरा मेथड देखिए पॉइंट हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट थी तो दो ज़ीरोज लग जाएंगी वन के आगे अब इसको क्या लिख सकते हैं हम ज़ीरो ज़ीरो हटा के टू लिख सकते हैं तो इसको हमने लिख दिया टू अपॉन हंड्रेड इंटू थर्टी अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए तो देखिए एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई तो क्या आ गया थ्री टू जिक्स अपॉन नीचे टेन अब क्योंकि नीचे एक जीरो थी तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो हमारा करेक्ट आंसर आया तो दैट मीन्स बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीरो पॉइंट टू फाइव की मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो पॉइंट एट से तो देखिए फिर से फर्स्ट मेथड कर रही हूँ जो लास्ट क्वेश्चन में अभी अभी किया है ट्वेंटी फाइव एज्जा कितना होता है टू हंड्रेड होता है हमें पता है तो टू हंड्रेड लिख दिया अब पॉइंट कहाँ लगेगा देखिए एक डिजिट ये दो डिजिट ये तो तीन डिजिट पहले क्या लग गया पॉइंट लग गया तो पॉइंट टू डबल जीरो लिखें या पॉइंट टू लिखें बात एक ही है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.4 पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो फोर कितना आएगा देखिए आपस में तो या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सबको या पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं देखिए पॉइंट हटाया एक के बाद पॉइंट था तो एक जीरो नीचे लग गई राइट अब इसको क्या लिख सकते हैं हम अब जीरो फोर लिखने की जरूरत नहीं है फोर अपॉन टेन भी लिख सकते हैं तो फोर अपॉन टेन इंटू फोर अपॉन टेन इंटू फोर अपॉन टेन अब मैंने आपको बताया था ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन फोरज इज सिक्सटी फोर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई टेन इंटू टेन इंटू टेन इज वन थाउजेंड अब क्योंकि नीचे तीन जीरोज हैं तो तीन डिजिट पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट जीरो सिक्स फोर आ गया तो दैट मीन्स हमारा सी पार्ट करेक्ट है आंसर लेट्स ले नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है वन पॉइंट वन इन पॉइंट वन इन पॉइंट जीरो वन राइट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हटा लेते हैं सबसे पहले तो एक जीरो लग गई यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक जीरो लग गई यहाँ दो डिजिट से पहले पॉइंट था तो दो जीरोस लग गई तो जीरो अब इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इलेवन अपॉन टेन इंटू वन अपॉन टेन इंटू वन जीरो वन को वन लिख सकते हैं अपॉन हंड्रेड अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है इलेवन वन 11 इलेवन इलेवन वन जिलेवन तो इलेवन ही आ गया और नीचे देखिए टेन इंटू टेन इज हंड्रेड हंड्रेड इंटू हंड्रेड इज टेन थाउजेंड नीचे टेन थाउजेंड आ गया अब चार जीरोज़ जीरो नीचे तो चार डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो चार डिजिट पूरी करने के लिए हमने दो जीरोज़ लगा दी और इलेवन तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर लेट डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पॉइंट जीरो एट को डिवाइड करना है पॉइंट वन सिक्स से तो हम इसको कैसे लिखते थे टू पॉइंट ज़ीरो एट बाय पॉइंट वन सिक्स लिख लेते थे अब हम पॉइंट हटाते थे तो ऊपर का पॉइंट हटाते थे तो नीचे जीरोज़ लग जाती थी जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं इसी तरीके से नीचे का पॉइंट हटाते थे तो ऊपर ज़ीरोज़ लग जाती थी अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए हंड्रेड हंड्रेड से कैंसिल हो गया अब टू एट जो सिक्सटीन टू वन ज़ा टू ज़ीरो टू फोर एट अगेन एट वन जा एट एट वन जा एट ट्वेंटी फोर एट थ्री जा ट्वेंटी फोर तो हमारा आंसर कितना आ गया थर्टीन तो ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वन पॉइंट जीरो टू को डिवाइड करना है सिक्स से तो देखिए 1.02 को हम डिवाइड कर देंगे सिक्स से अब सबसे पहले क्या करते थे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाया तो नीचे दो जीरोस लग गए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए टू थ्री ज़र सिक्स टू फाइव ज़र टेन एंड टू वन जर टू थ्री वन जर थ्री थ्री वन जर थ्री थ्री सेवन ज़र ट्वेंटी वन तो ये कितना आ गया सेवेंटीन अपॉन हंड्रेड का है और क्योंकि नीचे दो जीरोज हैं तो दो डिजिट से पहले पॉइंट लग गया तो पॉइंट वन सेवन दैट इज बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर लेट्स जू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है थ्री जीरो पॉइंट नाइन फोर को डिवाइड करना है जीरो पॉइंट सेवन से तो हम पॉइंट हटाते थे ऊपर का पॉइंट हटाया नीचे दो ज़ीरोज़ लग गई नीचे का पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो लग गई अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे लेकिन उससे पहले देखिए थ्री जीरो नाइन फोर इंटू टेन अपॉन ज़ीरो सेवन को क्या लिख सकते हैं सेवन लिख सकते हैं इन टू हंड्रेड अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया अब सेवन वन जो सेवन सेवन फोर जो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन सेवन फोर जो ट्वेंटी एट एंड सेवन टू ज फोर्टीन अब इसको क्या लिख सकते हैं फोर फोर्टी टू अपॉन टेन कहें या 44.2 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे क्या थी एक जीरो थी तो एक डिजिट पहले क्या लग गया पॉइंट लग गया तो दैट मीन्स आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2.73 को डिवाइड करना है वन थ्री से तो हम क्या करते थे सबसे पहले डेसिमल हटाते थे नीचे का डेसिमल हटाया तो एक जीरो लग गई ऊपर का डेसिमल हटाया तो दो जीरो लग गई क्यों क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं तो वन के आगे उतनी ही जीरो लग जाती हैं लेकिन ऑपोजिट साइड पे न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया अब थर्टीन वन जो थर्टीन थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टीन वन जो थर्टीन तो ये कितना आ गया ट्वेंटी वन अपॉइंट टेन का या टू पॉइंट वन का बात एक ही है तो दैट मीन बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एट्टी नाइन पॉइंट वन को डिवाइड करना है टू पॉइंट टू से तो देखिए पॉइंट हटाएंगे पॉइंट हटाया ऊपर ज़ीरोज़ लग गए और ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे जीरोज़ लग गए अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो टेन कैंसिल हो गया अब देखिए ट्वेंटी टू और नाइन एट्टी वन को डिवाइड करना है तो इलेवन से देखते हैं इलेवन से कट जाएगा इलेवन टू ज ट्वेंटी टू इलेवन एट जट्टी एट एंड एलेवन वन जलेवन तो अब क्या आ गया एट्टी वन अपॉन्ट टू आ गया तो अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एट्टी वन को टू से तो देखिए टू फोर ज़ा एट वन उतार लिया टू जीरो जा जीरो वन बच गया पॉइंट लगाया तो जीरो हो गया टू फाइव जा टेन कुछ नहीं बचा तो आंसर कितना आ गया हमारा फोर्टी पॉइंट फाइव तो दैट मीन्स हमारा ए पार्ट करेक्ट है आंसर डू लास्ट क्वेश्चन ना लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीरो पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई करनी है जीरो पॉइंट जीरो फाइव से तो कितना आ जाएगा तो हमें पता है फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव होता है डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉइंट कहाँ लगेगा एक डिजिट यहाँ पॉइंट है पहले एक डि दो डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है तो टोटल कितनी डिजिट पहले पॉइंट लगेगा एक दो एंड तीन डिजिट तो दो ऑलरेडी लिखी हुई है एक जीरो लग गया और उससे पहले पॉइंट लगा दिया तो दैट मीन्स सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर